यहाँ पर मौजूद SDPI के सभी जिम्मेदारान और हमारे सभी बड़े कौम के जिम्मेदार लोग सभी को मैं आपके सामने आ जाई हूँ, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और बेहद ही नाजुक मोड पे ये चुनाव है। आप सभी को पता है कि BJP यहाँ पर क्या प्रोपेगेंडा चला रही है और किस तरह से कौम के लोगों को बदनाम करने का काम कर रही है। तो उसके बीच में ही हमने रिक्वेस्ट करी थी और एक बहुत ही अच्छा फैसला सभी ने बैठ कर लिया। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में दिलचस्प मोड़ अब आना शुरू हुए हैं, क्योंकि पहले चरण की तारीख का ऐलान हो चुका है, जहां 10 तारीख को चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरे चरण के मतदान जो है वो 14 तारीख को होंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर दिया है और इन ऐलान के बाद से जो है वो नामांकन वापस लेने का दिन था, जहां भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है वो दो सीटें हैं। एक है कैराना में, जहां नाहिद हसन विधायक हैं और उनके लिए जनता का प्यार उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी सीट है रामपुर में आजम खान के, जहां चुनावी मैदान में अगर कैराना की बात की जाए तो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वहीं अगर बात की जाए रामपुर की तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं आजम खान को शिकस्त देने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आखिरकार इन दो सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत क्यों कर रही है, इस चीज को भी जान लेने की और समझने की जरूरत है। पर इस बीच जब हमने कैराना का दौरा किया, कैराना के लोगों से बात की, नाहिद हसन के लिए समर्थन और प्यार जो है लोगों के दिल में उमड़ रहा है, तो उस बीच लोगों का यह भी कहना था कि SDPI के कैंडिडेट को जो है वो अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर SDPI चुनाव लड़ती है तो वो नुकसान पहुंचा सकती है नाहिद हसन को जीतने में, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। इस पर लगातार रिपोर्ट का असर हुआ और नेशनल लीडरों से बात हुई तो वहां उसके बाद एक बड़ा कदम SDPI की तरफ से उठाया गया, जहां SDPI के कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एक दिल जीतना जो होता है वो SDPI ने कैराना की जनता का किया है, क्योंकि चुनाव कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर SDPI के इस कदम ने लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि नाहिद हसन को हराने के लिए खुद जब देश के गृहमंत्री चुनावी मैदान में उतरे तो SDPI के उम्मीदवार ने कहीं ना कहीं ये सोचने और समझने की कोशिश की कि नाहिद हसन को ही आखिरकार टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा था और जब नामांकन वापस लेने का दिन था तो SDPI के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। किन किन लोगों ने नामांकन वापस लिया है उसे आपके सामने रखूंगा, पर दिल जीता है SDPI के इस कदम ने कैराना की। जी, सभी को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद SDPI के सभी जिम्मेदारान और हमारे सभी बड़े कौम के जिम्मेदार लोग सभी को मैं आपके सामने आ जाई हूँ, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और बेहद ही नाजुक मोड पे ये चुनाव है। आप सभी को पता है कि BJP यहाँ पर क्या प्रोपेगेंडा चला रही है और किस तरह से कौम के लोगों को बदनाम करने का काम कर रही है। तो उसके बीच में ही हमने रिक्वेस्ट करी थी, हम सभी इस कोशिश में लगे हुए थे, सभी बड़े, मेरी वालदा और पार्टी के सभी जिम्मेदार लोगों के बीच में बातचीत हुई और एक बहुत ही अच्छा फैसला सभी ने बैठ कर लिया, जिसका मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि आपने बिना किसी लालच के सिर्फ कौम की बेहतराई के लिए ये जो फैसला लिया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। चुनाव एक ऐसे नाजुक दौर पे है कि हमें सभी को इकट्ठा होके आगे की बेहतराई के लिए सोचना है, और इसरार खान साहब ने जो बात रखी, जो डिमांड रखी, वो सभी बेहद अच्छी डिमांड है जिन पर काम भी होना चाहिए।
और मैं बस ये अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम लोग, मैं जैसे छोटी हूँ, लेकिन अगर आप लोग सभी कौम के जिम्मेदार लोग बताएंगे कि किस तरह से कौम की बेहतराई के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, तो इंशाल्लाह हम लोग उस पर पूरी पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। आपने ये जो फैसला लिया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और इसमें कामयाबी अता फरमाए। जनता का और देश भर की जनता का, जहां उन्हें लग रहा था कि कहीं अगर बीजेपी को फायदा हो गया तो नुकसान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो कदम एसडीपीआई ने उठाया है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि गुरुवार को नामांकन वापस दिन कैराना विधानसभा सीट से एसडीपीआई के प्रत्याशी सरवर अली ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जबकि सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने भी अपना निर्दलीय पर्चा उठा लिया। इसके अलावा थाना भवन और शामली सहित तीनों विधानसभा सीटों से 5 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। गुरुवार को शामली कलेक्ट्रेट में निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन पत्र उठाने का सिलसिला जारी रहा। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने निर्दलीय के रूप में जमा किया अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इसके अलावा कैराना से एसडीपीआई के प्रत्याशी सरवर अली ने अपना पर्चा वापस लिया है। थाना भवन विधानसभा सीट से भी 2 नामांकन पत्रों की वापस हुई है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद अशरफ अली और निर्दलीय प्रत्याशी वाशेर सिंह राणा की पत्नी गीता उर्फ मीना देवी ने भी नामांकन पत्र वापस ले लिया है। शामली विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने अपना पर्चा उठा लिया है, जिसके बाद अब जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कुल 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। जहां ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, उसके लिए एसडीपीआई ने रोकने के लिए उन्हें ये बड़ा कदम उठाया। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीजें जो सामने आ रही हैं कि कैराना के बाद मथुरा का दौरा जो है वो देश के गृह मंत्री करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, और यहां तक कि मथुरा की जो तस्वीरें आई, थूक लगा करके पर्चे बांटते हुए नजर आए देश के गृह मंत्री। और यह सवाल अब खड़ा हो जाता है गोदी मीडिया के उन दलाल पत्रकारों से जो थूक जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्या देश के गृह मंत्री की ये तस्वीरें आप तक पहुंची नहीं, या जो पहुंची है उसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या अब भी आप थूक जिहाद का नाम दे करके देश के गृह मंत्री से सवाल करेंगे कि आखिरकार ये थूक जिहाद क्यों फैलाया जा रहा है? और इस मायने को समझना जरूरी है जो कि कैराना से लेकर के मथुरा तक देश के गृह मंत्री करने पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारू हो चुके हैं। आपको बता दें के मथुरा दौरे में एक दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में 253 जाट नेताओं और खाप पंचायतों के प्रमुखों से मुलाकात की, जाटों के सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ साथ जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ आने का न्योता भी दिया। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि अमित शाह ने जयंत चौधरी को जो न्योता दिया, दरअसल वह सपा और रालोद गठबंधन में फूट डालने के लिए किया है, और एक कंफ्यूजन आरएलडी के समर्थकों में पैदा हो इसलिए खुले तौर पर अमित शाह ने ये बातें कह दी। शरद प्रधान कहते हैं कि अमित शाह के इस न्योते का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही जाट मुस्लिम एकता टूटेगी, लेकिन बीजेपी और अमित शाह ने अपनी तरफ से जाटों के बीच में फूट डालने की एक बड़ी कोशिश जरूर की है। वहीं मेरठ यूनिवर्सिटी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा कहते हैं कि अमित शाह के जयंत पर दिए बयान का असर सकारात्मक होगा और जाट समाज बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकेगा, क्योंकि बीजेपी ने जाटों के नेता जयंत चौधरी के चौधराहट को स्वीकार किया है। अब समझिए, अपनी मीटिंग के एक दिन बाद जब अमित शाह मथुरा और वृंदावन आए तो अपनी यात्रा की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन से करते हैं, वहीं जब अमित शाह कैराना जाते हैं तो पलायन का मुद्दा उठाते हैं, नाहिद हसन के परिवार के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं, और एक बात डंके की चोट पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई पलायन हुआ था और जिन लोगों ने कराया वो जेल की सलाखों के पीछे है। इस मायने को समझना जरूरी है जो कि मथुरा में और खासतौर पर किया गया है कैराना में,
और जो जयंत चौधरी को अपनी तरफ लाने की कोशिश का एक शगुफा जो देश के गृह मंत्री ने छोड़ा है उसे समझिए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो जमीन जो है जो उसने नफरत की तैयार की थी वो खिसकती जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां भी दौरे के लिए मैं निकल रहा हूं, हर कोई रोजगार मांग रहा है, हर कोई जो है ये दावा कर रहा है कि विकास की गंगा की बात की थी, वो विकास कहां है गंगा छोड़ दीजिए जिसकी सफाई तक आप नहीं करा पाए, वो विकास ला करके दीजिए जिस विकास के नाम पर आप सत्ता पर काबिज हुए। और अब नफरत भरा एजेंडा आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये समझ में आ रहा है कि जहां मुस्लिम उम्मीदवारी मजबूत है वहां आपके नफरत भरे बोल चल रहे हैं। और SDPI ने जो कदम उठाया है वो तमाम और राजनीतिक पार्टियों को भी समझने और देखने की जरूरत है कि जब SDPI पार्टी जो है वो ये कदम उठा सकती है जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और किसी उम्मीदवार में आपस में रार हो सकती है, एक दूसरे नंबर पर आने की होड़ हो सकती है, तो क्यों नहीं वो राजनीतिक पार्टियां भी अपना नामांकन वापस लेती। अगर कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार है तो सपा को अपना सिर झुकाना पड़ेगा, जहां सपा का मजबूत दावेदार है तो और राजनीतिक पार्टियों को, और जहां SDPI का कोई मजबूत दावेदारी है तो उन लोगों को भी ऐसा ही कदम उठाने की जरूरत है जो आज SDPI ने किया है। क्योंकि तभी जो एक नफरत और लोकतंत्र की हत्या हुकूमत कर रही है वो रुक पाएगी।